दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं भारतीय टीम तीसरे वनडे मैच जीतकर सीरीज अपने नाम करे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों ना चले सूर्या ना चले हार्दिक का जादू, जडेजा भी हुए फ्लॉप, ईशान और शार्दुल की मेहनत पर फेरा, उन्हीं के साथी खिलाड़ियों ने पारी तो केवल करोड़ों भारतीय ही नहीं बल्कि अब सचिन तेंदुलकर से लेकर महेंद्र सिंह धोनी, यहां तक कि युवराज सिंह भी गुस्से से आग बबूला हो गए और इन युवा खिलाड़ियों के शर्मनाक प्रदर्शन पर उन्हें जमकर फटकार लगाते हुए उन्होंने जो कहा उनकी बातें सुनकर तो शायद आप भी अपने कानों पर यकीन नहीं कर पाएंगे। तो आखिर क्या रहा भारतीय दिग्गजों का टीम इंडिया की हार पर रिएक्शन, उन सभी का बयान हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, क्या थी भारतीय टीम की करारी हार की सबसे बड़ी वजह, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरे वनडे में एक कांटे का घमासान हुआ, ये कहना गलत होगा क्योंकि वेस्टइंडीज ने तो ओवर कॉन्फिडेंस में चोर टीम इंडिया की धज्जियां उड़ाकर रख दी। भारतीय टीम ने सोचा था कि वो वेस्टइंडीज को आसानी से हरा सकते हैं, इसी के चलते रोहित कोहली को आराम दे दिया गया। लेकिन यही बात में हमारी सबसे बड़ी गलती साबित हुई क्योंकि वेस्टइंडीज के घातक गेंदबाजों ने अपनी आग उगलती हुई गेंदबाजी से भारत के युवा सितारों को तहस नहस करके रख दिया। हालांकि शुभमन और किशन के बीच 90 रनों की पार्टनरशिप ओपनिंग पार्टनरशिप हुई, लेकिन उसके बाद भारतीय टीम ने अपने 5 बल्लेबाजों को केवल 23 रनों के भीतर ही गवा दिया, जिसमें किशन गिल से लेकर हार्दिक और संजू तक का नाम शुमार था। हालांकि सूर्या से अभी भी फैंस को बहुत उम्मीदें हैं कि उन्होंने आते ही एक के बाद एक 3 बेहतरीन चौके लगाकर उन उम्मीदों को पंख भी लगा दिए थे, लेकिन अकेला खिलाड़ी कब तक ही मोर्चा संभाल पाएगा, वो भी अंत में हार मान गए और नतीजा ये हुआ कि पूरी की पूरी टीम इंडिया 181 रनों पर ढेर हो गई। इसका पीछा करने उतरे कायले मेयर्स और ब्रैंडन किंग ने न केवल 53 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप बनाई बल्कि भारत की जीत की उम्मीदों को भी धुंधला कर दिया। हालांकि उसके बाद टीम इंडिया भी वापसी का बिगुल बजा चुकी थी, एक के बाद एक शार्दुल ठाकुर ने 3 बल्लेबाजों को धूल चटाई तो फिर कुलदीप यादव ने सिमरन हिटमायर को चलता कर हमारी जीत की राह आसान कर दी थी। लेकिन फिर मैदान में उतरे शाई होप ने वो कर दिखाया जिसके लिए वो पहचाने जाते हैं। उन्होंने काटी के साथ मिलकर न केवल अपना अर्धशतक पूरा किया बल्कि भारतीय टीम को करारी हार का स्वाद चखाया, सीरीज को 1-1 से बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया। इस हार के बाद तो जहां हर कोई उदास है तो वहीं अब भारत के कई दिग्गज खिलाड़ी भी टीम इंडिया के शर्मनाक प्रदर्शन से खफा है। सबसे पहले खुद क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर का बयान निकलकर सामने आया है, जो पहली बार अपनी टीम के खिलाड़ियों पर बेहद नाराज नजर आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, सचिन ने कहा कि इस हार का कोई भी बहाना हो नहीं सकता है, ये युवा खिलाड़ी भारत का भविष्य है, हम चाहते हैं कि हमारा भविष्य उज्जवल हो, लेकिन रोहित और कोहली के बिना तो पूरी की पूरी भारतीय टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। मुझे नहीं लगता कि हमारा भविष्य सुरक्षित हाथों में, क्योंकि जब वेस्टइंडीज के सामने हमारा ये हाल है तो हम कैसे अपनी टीम से विश्व कप जीतने की उम्मीद कर सकते हैं। तो दोस्तों सचिन तेंदुलकर का तो दिल टूट गया, उनसे भी बुरा हाल महेंद्र सिंह धोनी का रहा है। उन्होंने बताया कि इस हार पर भरोसा करना बेहद मुश्किल है, वेस्टइंडीज इतनी मजबूत टीम नहीं है, हमारे खिलाड़ी उत्तम दर्जे के हैं, सभी इंटरनेशनल क्रिकेट में परिपक्व हो चुके हैं, लेकिन पता नहीं कैसे उनसे इतनी बड़ी चूक हो गई। शायद इस हार को भुला पाना इतना आसान नहीं है, लेकिन इससे ये तो साफ हो गया है कि हम इन खिलाड़ियों से जितना उम्मीद करते हैं वो सब व्यर्थ हो सकता है यदि सही कदम नहीं उठाए गए। तो दोस्तों युवराज सिंह भी इस टीम इंडिया के प्रदर्शन से बेहद खफा नजर आए। जी हां, उन्होंने कहा कि मेरी नाराजगी इन युवा खिलाड़ियों से नहीं बल्कि रोहित और विराट कोहली से, इन दोनों को साथ में रेस्ट नहीं लेना चाहिए था, पूरी की पूरी भारतीय टीम आज जो खेल रही थी वो इंटरनेशनल लेवल के लिहाज से तो उतनी मैच्योर नहीं है। हाँ ये सभी शानदार खिलाड़ी है, लेकिन वेस्टइंडीज भी दिग्गज टीमों में से एक है, उन्हें हमारी कमजोरी पता चली और उन्होंने पलटवार कर दिया, हमें पूरी तरह से बेफिक्र नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों केवल वही नहीं, उनके अलावा बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष सौरभ गांगुली का भी रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने कहा कि वेस्टइंडीज को कमजोर आंकना हमारी सबसे बड़ी भूल थी, हमने सोचा कि हमारे बच्चे उन्हें रोक सकते हैं, लेकिन आज हमारी ये गलत फहमी भी दूर हो गई। इससे अंदाजा हो गया कि अनुभव कितना जरूरी है, केवल टैलेंट और एग्रेशन ही आपको मुकाबले में नहीं जीत दिला सकते, ये बात भी आज साबित हुई है। तो दोस्तों सच में इस हार ने तो सभी का दिल तोड़ दिया है, लेकिन अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया तीसरे वनडे मुकाबले को जीतकर सीरीज को जीत का ताज अपने सर पर सजा पाएगी या नहीं, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।